दुनिया मनमोहन की सरकार चली, इसमें सपा और बसपा का भी समर्थन था। एक प्रकार से कांग्रेस सपा और बसपा की सरकार चली। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को और बहन मायावती को, 13-14 के बजट में आपने उत्तर प्रदेश को कितना रुपया दिया? वो तो साहब आंकड़ों की बात ही नहीं करते। आंकड़े की बात आती है तो एक ही आंकड़ा याद है, ये इत्र वाले, समाजवादी इत्र वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया, इसी की बात याद आती है। और उनके पेट में दर्द होने लगता है, कहते हैं मोदी जी बदला ले रहे हैं। भाई अखिलेश, किससे बदला रहे हैं? कौन है इत्र वाला आपका, बताओ जरा, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर कोई नहीं है तो आपको क्यों दुख हो रहा है? भाई बताओ, जो टैक्स भरे बगैर ये पूरा मंच भर जाए, इतना रुपया अपने घर में रखा हो, इसके वहां रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अखिलेश जी कहते हैं नहीं करनी चाहिए। खैर अखिलेश जी, आप तो नहीं बताओगे, 13-14 में उत्तर प्रदेश को केंद्र ने क्या दिया था? मैं बताता हूं माताओं, भाइयों, बहनों, बागपत के लोगों, उत्तर प्रदेश को 13-14 में मनमोहन सिंह जी ने 66,623 करोड़ रुपया दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, 66,623 करोड़ रुपया। अभी अभी मोदी जी ने बजट लाया, 22-23 का बजट, 22-23 के बजट में 66,623 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है मित्रों, 500। कहां 66,000 करोड़ और कहां 1,46,000 करोड़? मित्रों, मैं आपको बताना आया हूं, ये 5 साल में हमने यूपी को श्रेष्ठ यूपी बनाया है, अगले 5 साल में हम यूपी को बेस्ट यूपी बनाकर आपके हाथ में देंगे मित्रों, आपके हाथ।